दोस्तों, मई 2015 में चीन के शहर योयांग के लोगों ने एक दिलचस्प और अजीबोगरीब मंजर को देखा। उन्होंने देखा कि शहर के मगरबी कोने पर समंदर के ऊपर बादलों में एक बहुत बड़ा कदीम शहर आबाद दिखाई दे रहा है। बादलों में बसा ये शहर बहुत वक्त तक कायम रहा और फिर गायब हो गया, मगर इसकी बड़ी बड़ी कदीम तर्ज की इमारतें और इनका आसमान पर बादलों में मौजूद होना बहुत से सवालात को पीछे छोड़ गया। इंटरनेट पर इस वीडियो से मुतालिक बहुत से तबसरे और सवालात पुरअसरारियत को जन्म दे रहे हैं। अगर थोड़ा सा हम इस शहर पर गौर करें तो पता चलता है कि ये सिर्फ नज़र का धोखा है, जिसे किसी टेक्नोलॉजी की बदौलत तख्लीक किया गया है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी को दर हकीकत स्पेस शो या होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी कहा जाता है, या आप इसे स्काई ग्राफिक भी कह सकते हैं। चीन के शहर पर नजर आने वाला ये नज़ारा भी इसी होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का एक नमूना था, जिसे तजर्बाती तौर पर पेश किया गया था। आखिर ये स्पेस होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है और ये कैसे काम करती है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें एक आम होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के बारे में समझना होगा कि ये क्या चीज़ है। दोस्तों, लफ्ज़ होलोग्राफिक यूनानी जबान के लफ्ज़ होलोग्रामा से निकला है, जिसके मायने हैं दूर से आता हुआ पैगाम। दोस्तों, होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का मुजाहरा एक बंद कमरे में किया जाता है और इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले इसकी 3D ग्राफिक तैयार की जाती है, जिसे ग्रीन स्क्रीन के जरिए एडिट किया जाता है और उसके बाद तैयारशुदा वीडियोस को चार मुख्तलिफ लेजर प्रोजेक्टर में दाखिल किया जाता है, जो एक वक्त में मिलकर एक नुक्ता की तरफ अपने अंदर मौजूद तस्वीर को दाखिल करते हैं, जिससे तस्वीर इस नुक्ता पर आकर मुकम्मल हो जाती है और ऐसा हकीकी मंजर पैदा होता है कि जैसे जो कुछ हम देख रहे हैं वो सब हकीकत है। ऐसा लगता है कि कोई जिस्म बमा अपने वजूद हकीकत में सामने मौजूद हो। दोस्तों, दरअसल इस टेक्नोलॉजी के ताने बाने दजाली फितना और इसके आने के लिए राह हमवार करने वाले लोगों से जा मिलते हैं, जो कि एलुमिनाती और फ्री मेसन जैसी खुफिया तंजीमें हैं, जिनका मकसद दुनिया में वन वर्ल्ड ऑर्डर लाना है, यानी कि एक ही मजहब की हुक्मरानी, जो कि शैतानी मजहब है, और पूरी दुनिया पर यहूदी गुलामी को मुसलत करना है और आने वाले सबसे बड़े इस्लामी फितना यानी दजाली फितना के लिए तमाम राहें हमवार करना है। दोस्तों, एक छोटे से कमरे में होलोग्राफी का तजर्बा बहुत ज़्यादा आसान होता है, बनिस्बत 100 किलोमीटर के फल्की एरिया में जिसे ग्राफिक प्लेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, जिसका नज़ारा आसमान में चाइना के शहर में बादलों के दरमियान देखा गया। दोस्तों, हकीकत यह है कि अमरीकी, कैनेडियन और इसराइली हुकूमत ने बामी तामून से स्काई ग्राफी के लिए लेज़र सेटेलाइट तैयार की हैं और इन्हें पहले छोटे लेवल पर तजर्बात के जरिए आजमाया गया और फिर होलोग्राफिक लेज़र सेटेलाइट तैयार किए गए, जो खला से मुख्तलिफ जावियों से होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी की लहरें ज़मीन पर भेजते हैं। ये सेटेलाइट ज़मीन से 60 मील की ऊंचाई पर होती हैं, जो खला के एक मखसूस हिस्से में जहाँ इनको दिखाना मकसूद हो, एक ऐसी हकीकी मंजर पेश करती हैं कि जैसे वो हकीकत में सामने मौजूद हो। इस मंजर को दिखाने से पहले खला में सोडियम की एक तह बिछाई जाती है, जो कि बुलंदी से आती हुई होलोग्राफिक लहरों को ग्राफिक सीन में बदल देती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे डिश एंटीना के सिग्नल को टीवी स्क्रीन में बदला जाता है। दोस्तों, एक बंद कमरे के अंदर होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का मुजाहरा बहुत आसान है, क्योंकि वहाँ बल्ब की रोशनी और होलोग्राफिक लहरों के अलावा कोई तीसरी लहरें मौजूद नहीं होती, जो कि इस होलोग्राफिक के नमूने को डिस्टर्ब कर सकें, जबकि खला में होलोग्राफिक को सूरज की तेज़ रोशनी और रोशनी के बहाव का भी सामना होता है। लिहाजा ज़मीन से 100 मील की ऊंचाई से ज़मीन पर होलोग्राफिक मनाजिर दिखाने के लिए किसी स्क्रीन ट्यूब की ज़रूरत होती है, जिसका काम सोडियम सर अंजाम देता है और इसकी तय खला में बिछा दी जाती है। लिहाजा जब खला से सेटेलाइट पर होलोग्राफिक लहरें भेजी जाती हैं तो ये सोडियम की तय से टकरा कर ज़मीन पर एक स्क्रीन का मंजर पेश करती हैं और एक ऐसा नज़ारा पेश करती हैं जो इस कदर हकीकी होता है कि इंसान दंग रह जाता है। इस टेक्नोलॉजी की कामयाबी के बाद अमरीकी इदारा नासा इसके एक मजीद जदीद हिस्से पर काम कर रहा है, जिसे होलोग्राफिक पेंट टेक्नोलॉजी कहा जाएगा। इस टेक्नोलॉजी के जरिए खला से होलोग्राफिक पेंट की शुआओं को ज़मीन की तरफ भेजकर किसी भी मखसूस शहर की शक्ल व सूरत को मुकम्मल तौर पर बदला जा सकेगा। मसलन हम देखेंगे कि जहाँ पहले एक खूबसूरत शहर आबाद था, वो स्याह और आतिशज़दा हो चुका है। आसमान पर अजीबोगरीब शक्लें और कीड़े मकोड़े तैर रहे हैं। फिजा भी तब्दील हो रही है। वहाँ मौजूद नदियाँ नाले, जहाँ से पहले ठंडा और शफाफ पानी दिखाई देता था, वहाँ अब खोलते हुए नदी नाले और उठते हुए आग के बुलबुले नजर आ रहे हैं, जबकि हकीकत में वो नहर ठंडा पानी होगी, जिसे होलोग्राफिक पेंट के जरिए आग में बदला हुआ दिखाया जाएगा, मगर दर हकीकत वो पानी ही होगा, मगर हमारी नज़र का धोखा होगा। ये हमारी नज़र का धोखा ही होगा जो कि ठंडे और साफ पानी को आग की नदी और आग का लावा दिखाएगा। दोस्तों, यहाँ हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुबारक हदीस मद्देनजर रखनी चाहिए, जिसमें हज़रत हुज़ैफ़ा से रिवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दज्जाल से भी ज़्यादा इस बात का इल्म है कि इसके साथ क्या क्या चीज़ें होंगी। आपने फरमाया, इसके साथ दो नहरें जारी होंगी, इसमें एक सफ़ेद पानी की जबकि दूसरी भड़कती हुई आग की होगी। अगर कोई शख्स वो ज़माना पाए
तो इसे चाहिए कि वो इस भड़कती हुई आग वाली नहर में गोता लगा दे और इससे पिए, क्योंकि वो ठंडा पानी होगा। दोस्तों, इस हदीस मुबारक के बाद वाजे हो जाता है कि ये वही दौर है और वही टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाजे तौर पर दो नहरों का जिक्र करके फरमाया कि दजाल के पास दो नहरें होंगी, एक साफ पानी की और एक खोलती हुई आग की। अगर तुम इन दो नहरों को पाओ तो आग वाली नहर में गोता लगाना, क्योंकि वही ठंडा पानी होगा। दोस्तों, ये वही टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए दजाल एक शहर की फिजा को खूबसूरत और जन्नत नुमा खूबसूरत बनाकर दिखाएगा और एक खूबसूरत शहर को आग के जहन्नुम नुमा पेश करेगा, जो कि यकीनन सब नज़र का धोखा होगा। और ये सब इसी स्पेस होलोग्राफिक 7D टेक्नोलॉजी के जरिए मुमकिन होगा। दोस्तों, लफ्ज़ कॉन्स्पिरेसी आपने ज़रूर सुना होगा, जिसका मतलब होता है साजिश। इसी तरह कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट को उर्दू में साजिश का अंदाज़ा लगाने वाला कह सकते हैं। 1996 में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कैनेडियन साफी सर्च मोनास ने इंकशाफ किया कि अमरीकी खलाई इदारा नासा कुछ खुफिया ताकतों के साथ मिलकर एक मिशन पर काम कर रहा है, जिसका मकसद दुनिया के लोगों को बेवकूफ़ बनाना और आलमी हुकूमत कायम करना है। इससे इनकार करने वाले लोगों को नफसियाती तौर पर तबाह कर दिया जाएगा और उनको तरह तरह के मसाइल में घेर दिया जाएगा, जो कि बज़ाहिर कुदरती होंगे मगर दर हकीकत वो इन शैतान के पैरोकारों की तरफ से होंगे, जो कि इस वन वर्ल्ड ऑर्डर के पैरोकार हैं। दोस्तों, सर्च मुनाफ्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट ब्लू बीम है, जो कि मुख्तलिफ मराहल में मुकम्मल होगा और इस प्रोजेक्ट के चार मराहल हैं। इन सब चीज़ों को एक्सपोज करने पर सर्च मुनाफ्स को शदीद ज़हनी अज़ियत दी गई और इसे मरवा दिया गया, जबकि इसकी मौत को हार्ट अटैक बताया गया। दोस्तों, पहले मरहले में दुनिया से करेंसी ख़त्म करके डिजिटल करेंसी को फ़रोग दिया जाएगा, यानी आपकी दौलत आपके हाथ में नहीं रहेगी, लिहाजा आपके पास चाहे जितनी भी दौलत हो इसे हैक करके आपको मिनटों में गरीब बना दिया जाएगा और अपने माशरे के लिए नाकारा करके अपने माशरे का हिस्सा बनाया जाएगा, जो कि आज यकीनन मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि नोट्स का और करेंसी का वजूद मुकम्मल तौर पर ख़त्म होता जा रहा है, जिसकी जगह डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने ले ली है। और इसका मुजाहरा हम आज के दौर में अमली तौर पर भी देखते हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के दूसरे मरहला में मजहबी शिदत पसंदी को फ़रोग दिया जाएगा और खाना जंगे करवा कर कमज़ोर ममालिक की हुकूमतों को तोड़ दिया जाएगा और लोगों को मजहब से बेजार करना इनका मकसद होगा, जो कि हम देखते हैं कि मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि हम देखते हैं कि तखरीब का अनासिर जगह जगह जन्म ले चुके हैं और इस्लामी हुकूमतों पर कुफार के हिमायत याफ्ता हुक्मरान विराजमान हैं और इन खुफिया अनासिर की सरपरस्ती कर रहे हैं। दोस्तों, तीसरे मरहले में दुनिया में पुरअसरार सनसनी और अफवाहें फैलाई जाएंगी कि कोई खलाई मखलूक हमला आवर हो सकती है। यूं सनसनी फैलाकर लोगों को नफसियाती खौफ में मुबतला किया जाएगा और उन्हें इस तरह से अपनी नई गवर्नमेंट में शामिल करवाया जाएगा, जिसे वो यकीनन फौरी तौर पर एक्सेप्ट कर लेंगे। और दोस्तों, आखिरी मरहले में स्पेस शो या स्काई ग्राफी के मुजाहरे दिखाए जाएंगे, जो कि इसी होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी की मदद से मुमकिन होगा, जिसका जिक्र हमने ऊपर किया है। इस मरहले के भी दो अहम मराइल होंगे, जिसमें पहले मरहले में इस पेशन गोई को सच किया जाएगा जो हर मजहब ने आखिरी ज़माने के मुतालिक इनके पैरोकारों को दी हैं, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम की आमद, ईसाइयों के मुताबिक यसु मसीह और हिंदुओं के मुताबिक आखिरी अवतार, जो कि आखिरी ज़माने में आसमान से उतरेंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया में इस आखिरी मरहले तक ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे जिसका जिक्र हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से कबल किया गया था, लिहाजा एक दिन अचानक इमाम मेहदी एक इमारत पर इनके मुंतजिर होंगे और आसमान से एक सीढ़ी रुनुमा होगी, जिससे एक खूबसूरत नौजवान आसमान से ज़मीन की तरफ आएगा, जिसके इर्द गिर्द झूमते हुए बादल होंगे और वह बहुत जाज़ब नज़र शख्सियत का मालिक होगा। वो एक इमारत पर उतरेगा तो लोग इसे ईसा अलैहिस्सलाम, यसु मसीह या आखिरी अवतार समझ लेंगे, जबकि दर हकीकत वो सिर्फ एक होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का धोखा होगा, जो एक इमारत पर अपनी कारीगरी का नमूना पेश करेगा। इसके बाद इस इमारत से एक असली नौजवान को निकाला जाएगा, जिसके पास हर मजहब की तालीम और उम्दा तरबियत होगी। पूरी दुनिया के लोग इसके सहर में मुबतला हो जाएंगे और वो खुद को मसीह बताएगा, लेकिन दोस्तों, दर हकीकत वो ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से कबल पूरी दुनिया को गुमराह करने वाला यहूदी शैतान होगा, ताकि जब तक असली ईसा अलैहिस्सलाम आए इनको ज़्यादा वक्त अपने आप को सच साबित करने में गुजर जाए और दजाल और शैतान के खिलाफ वो कोई मौसर कार्रवाई ना कर सकें। इसके अलावा हम देखेंगे कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से आसमान पर फरिश्तों के शहर आबाद हैं और खुदा आसमान से लोगों से इनकी ज़बान में मुखातिब हो रहा है। दोस्तों, तस्वीर के साथ साथ होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी में आवाज़ के लिए अलग से सैटेलाइट भी तैयार किए जा रहे हैं, जो इसी तर्ज पर आवाज़ को सैकड़ों किलोमीटर दूर तक पहुँचाएंगे, जिस तरह से होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी सैटेलाइट से तस्वीर को भेजती है। दोस्तों, अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि दीन हक पर कायम रहने वाले लोगों को दुनिया में जहन्नुम दिखाई जाएगी, इन्हें नफसियाती तौर पर टॉर्चर किया जाएगा, जबकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मानने वालों को दिलकश फिजाएं और नज़र को धोखा देने वाली होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी से फरिश्ते और खुदा इन्हें सलाम करेंगे। तो कितने लोग इस फितना के दौर में अपने ईमान पर कायम रह पाएंगे? लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि इनके साथ और इनके मजहब के साथ क्या खेल खेला जा रहा है। दोस्तों, हकीकत ये भी है कि दुनिया के ज़्यादातर लोग पसमानदा ज़हन हो चुके हैं, क्योंकि लोग किसी वाक्य के रुनुमा होने पर रिसर्च करने के बजाय इसे फ़ौरन अपना अकीदा बना लेते हैं,
لہذا جب اس سپیس ہولوگرافک فتنے کا آغاز ہوگا تو لوگ جوک در جوک اس کا شکار ہوں گے۔ اس سب کو ممکن بنانے والے نیو ورلڈ آرڈر کے رہنما، جن کا ماضی فرعون سے ملتا تھا اور حال دجال سے ملے گا، اور یہ وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو دجال کی حکومت میں ہوگا۔ مگر دوستو، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے افضل پیدا کیا ہے۔ ہمیں علم اور شعور جیسی نعمت سے نوازا ہے، اور اسی لیے ہماری آزمائش کے لیے امتحان بھی بنائے ہیں۔ لہذا یقیناً جب وہ وقت آئے گا تو اس فتنے کے دور میں بھی وہ خدا کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ہمیں ضرورت ہے تو صرف اس ذات پر کامل یقین کرنے کی، اور اس شیطانی فتنہ سے پناہ مانگنے کی جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ آخری وقت کا بدترین فتنہ ہوگا۔ خدا ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ دوستو، اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اپنے حصے کا فرض ادا کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اور آگاہی پیدا کرنے میں مدد کریں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ خدا حافظ۔